नम आंखों के बीच पूरे सैन्य सम्मान के साथ पंच तत्व में विलीन हो गए सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत। दिल्ली कैंट स्थित बराड़ स्क्वाड शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान जनरल रावत की यूनिट 5/11 गोरखा राइफल उनके अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्था संभाली। उनकी शान में 17 तोपों ने गमगीन होकर मुंह खोला। इस दौरान सैन्य बैंड ने शोक गीत बजाए। इसके साथ ही अंतिम संस्कार से पहले तीनों सैन्य प्रमुख की मौजूदगी में तीनों सेनाओं की बिगुल बजाए गए। सीडीएस विपिन रावत की अंतिम यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के 6 अफसर तिरंगा लेकर चले। वहीं अंतिम दर्शन स्थल पर 12 ब्रिगेडियर स्तर के अफसर तैनात रहे। बता दें कि उनकी अंतिम यात्रा को 99 सैन्य कर्मियों ने स्कॉर्ट किया, जबकि अंतिम दर्शन स्थल पर 12 ब्रिगेडियर स्तर के अफसर तैनात रहे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के अंतिम संस्कार के दौरान कई देशों के सैन्य कमांडर भी मौजूद रहे। श्रीलंका के सीडीएस जनरल रविंद्र सिल्वा और पूर्व सीडीएस एडमिरल रविंद्र विजय गुरारत्ने भी अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अलावा भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के सैन्य कमांडर भी अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद रहे। गौरतलब है कि सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए उनके सरकारी आवास पर भी रखा गया था। गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत केंद्र मंत्रिमंडल के सदस्य जनरल रावत को श्रद्धांजलि देने पहुँचे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई गणमान्य लोग भी श्रद्धांजलि देने उनके आवास पर पहुंचे। गौरतलब है कि जनरल रावत के अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर भारी संख्या में आम नागरिक भी कतारबद्ध दिखी और नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स।